नक्सलियों के खिलाफ अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खूंटी में 15 लाख के इनामी उग्रवादी जीदन गुड़िया को मार गिराया है पुलिस ने। मुरू में पुलिस को मुठभेड़ के दौरान यह सफलता मिली है। दिनेश गोप के बाद पीएलएफआई में जीदन दूसरे नंबर पर आता था। ठीक है, कहां गए चौकीदारी को बुलाइए ना। जमीन पर पड़े इस शव को गौर से देखिए, ये वही जीदन गुड़िया है जिसने रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और चाईबासा समेत कई जिलों में आतंक मचा रखा था, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में आज इसे मार गिराया। मुठभेड़ में पीएलएफआई का इनामी उग्रवादी जीदन गुड़िया मारा गया है। इसी पहाड़ी में उसका सुबह सुबह मुठभेड़ हुई थी पुलिस और उग्रवादियों के बीच में, जिसमें एक नक्सली मारा गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे नीचे पहाड़ी में उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्सलियों की जो सामान है वो बरामद की गई है, और यहाँ पर नक्सली अपनी कैंप बना के रह रहे थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप समेत कई कमांडर के खूंटी के कोयंसर इलाके में होने की खबर थी। इसी सूचना पर खूंटी पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। इसी दौरान मुठभेड़ में पीएलएफआई का जोनल कमांडर जीदन गुड़िया मारा गया। ओवरऑल जो घटना हुई इसमें ये लोग जो हम लोग को सूचना थी कि कम से कम 8 से 10 सदस्य इस क्षेत्र में प्रवणशील है, और जिसमें मुख्य रूप से 2-3 कमांडर्स होने की सूचना थी हम लोगों को, और उस संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई की है। जीदन तो मारा गया लेकिन दस्ता के बाकी सदस्य भागने में सफल रहे। पुलिस को मौके से एक AK-47 भी मिला है। डीजीपी ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए सरेंडर करने को कहा है। काफी योजनाबद्ध तरीके से आगे भी कार्रवाई रहेगी, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि या तो ये लोग ये अपराध का रास्ता छोड़कर जो अपराध किया उसके लिए सरेंडर हो जाए, नहीं तो फिर अपने कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पीएलएफआई का जोनल कमांडर था जीदन गुड़िया। पीएलएफआई में दूसरे नंबर पर था जीदन गुड़िया। पीएलएफआई में सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद था जीदन का नंबर। हत्या, अपहरण, लूट जैसे 100 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। जीदन गुड़िया पर 15 लाख रुपए का था इनाम। जाहिर है जीदन के मारे जाने से पीएलएफआई को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं इलाके में आतंक के राज के खात्मे की भी उम्मीद बढ़ी है। खूंटी से अरविंद के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और अब बात स्कूलों में लौटी रौनक की। सरकार के निर्देश पर आज से 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। हालांकि प्राइवेट स्कूल आज से नहीं खुले हैं। घंटी करीब 9 महीने बाद फिर सुनाई देने लगी है। झारखंड में 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूलों में फिर से रौनक देखी जा रही है, लेकिन स्कूल आने वाले बच्चों को अभिभावक की सहमति पत्र लाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि स्कूल आने के लिए 2 गज की दूरी रखना है, मास्क जरूरी है, और हाथ में छोटा सा सैनिटाइजर रखना है। झारखंड में स्कूल तो खुल गए, लेकिन इसके लिए कई नियमों का पालन करना जरूरी है। जैसे रोटेशन के तहत पाली के अनुसार टाइम टेबल, शिक्षक और छात्र 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे, क्लासरूम में सीमित संख्या में बैठेंगे छात्र, एक बेंच पर एक छात्र, पीछे की बेंच रहेगी खाली, 3 से 4 घंटे ही होगी स्कूल में पढ़ाई, सभा, खेल और दूसरी गतिविधियों पर रोक, गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, बच्चों के स्वास्थ्य की होगी नियमित जांच, बायोमेट्रिक की जगह हाजिरी के लिए दूसरे इंतजाम, अपने टिफिन दूसरे बच्चे के साथ नहीं करेंगे शेयर। सरकार की तरफ से जो भी निर्देश मिला है उसका पालन करते हुए हम लोग विद्यालय आज से खोल रहे हैं और बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सरकार के आदेश पर आज से सरकारी स्कूल खुल गए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है।
हालांकि राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक ने जल्द ही प्राइवेट स्कूलों के भी खुलने की उम्मीद जताई है। तो नाउ वो लोग भी अपना एसेस कर रहे हैं और जल्दी खोलेंगे। जहां तक हम लोगों का इन्फॉर्मेशन है, वो लोग भी पेरेंट्स से कंसेंट ले रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में आज पेरेंट का वो लोगों ने मीटिंग भी किया है। कोरोना संकट के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप थी, लेकिन अब स्कूलों के खुलने से शिक्षा व्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। गुमला से सुशील सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। इधर दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरे दिन जनता के समस्याओं को सुना। खिजुरिया स्थित आवास पर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। सीएम ने सबकी समस्याओं को सुना और उस पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन रोके जाने को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मार्च 2021 तक 15,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हमारे 3-3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन रद्द करवा दिया है, उसको होल्ड कर दिया और स्वास्थ्य सेवा को एक बड़ी चुनौती के लिए राज्य सरकार के मथे मढ़ दिया, इस पर इनका कुछ कहना नहीं है। हमारे केंद्रांश के हिस्से सीधे बैंक से काटे जा रहे हैं, इस पर इनको कुछ नहीं कहना। इनको सिर्फ और सिर्फ 20x4 राजनीति के अलावा दूसरा कुछ नहीं। संथाल दौरे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में जहां जनता की समस्याओं को सुना, तो वहीं उनकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। मुख्यमंत्री ने चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्की ली, तो बच्चों ने सीएम हेमंत सोरेन को गुलदस्ता सौंपा। इस दौरान बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने बातें भी की। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। जहां दुमका दौरे पर वो है, दुकान पर चाय की चुस्की ली, बैठकर चाय पी, तो वहीं बच्चों से भी मिले मुख्यमंत्री और बकायदा बच्चों ने उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया है। उनसे काफी देर तक बातचीत भी की है मुख्यमंत्री ने। साहबगंज के पतना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सखी मंडल के कामों की सराहना की और उन्हें चेक भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गरीब और पिछड़ों के विकास का संकल्प दोहराया। हालांकि सिम काफी देर से कार्यक्रम में पहुंचे, जिसके कारण घंटों इंतजार के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण वापस भी लौट गए। मुख्यमंत्री आज पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद कल वो कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में राज्य में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए, ऐसे में सरकार के रिपोर्ट कार्ड का कोई मतलब नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने देवघर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। कुछ दिखता नहीं है, बाकी वो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, आगे कहाँ क्या संगठन जो होगा। तो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जो पेश करने वाले हैं उसमें क्या करने देंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन कल झारखंड में बढ़ते ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। रांची से सटे कांके का पारा तो 3 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक इसे लेकर कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर आप शिमला मनाली नहीं गए हैं तो वहां की ठंडक को आप रांची के कांके में महसूस कर सकते हैं। रांची से सटे कांके का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि घास पर गिर रही ओस की बूंदे बर्फ में बदल जा रही है। लोग ठंड से बेहाल हो रहे हैं। लोगों की माने तो कांके में बिहार से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। कांके में ठंड तो काफी ज्यादा है, रांची के मुकाबले 3-4 डिग्री कम रहती है ठंड, लेकिन फिर भी हमारे आम कामों में, रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। लोग फिर भी निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप साइकिल पर हैं, सर पर आपने बकायदा हेलमेट लगाया हुआ है, क्या ये डेली की रूटीन है क्या? यस, ये मेरा रोज का रूटीन है। मैं साइकिलिंग करके सुबह 6:30 बजे निकलता हूँ, पिटोरिया तक जाके साइकिलिंग करके आता हूँ। बिहार के अपेक्षा और रांची के अपेक्षा कांके में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि यहाँ अलाव का व्यवस्था किया जाए। आप कहाँ से आए? अभी हम बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? जहानाबाद से।
जहानाबाद में भी इतना ठंड नहीं है जितना ठंड की अभी कांके में है। यहाँ पर झारखंड सरकार को अलाव की व्यवस्था करना चाहिए। कांके में बिहार समेत कई राज्यों के लोग मानसिक बीमारी का इलाज कराने पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ हाड़ कपकपाती ठंड से वो भी बेहाल है। अब ये लोग भी प्रशासन से अलाव या ठंड से बचने के लिए व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। सहरसा से हैं, लेकिन देखते हैं ट्रेन में इतना ठंडी लगता, ठंडी में इतना कोई साधन नहीं रखता कि जो कि जिला कर रखे आज कहीं रोडों किनारे कोई बच्चा जैसे आता हो रांची डॉक्टर के पास भी कि साधन करके रखे ठंडा। आप कहाँ से हैं? गया जिला से। यहाँ गया जिला से यहाँ ज़्यादा बहुत ठंडा है और कुछ जलाने उलाने के लिए उपला नहीं है, लकड़ी उकड़ी की सुविधा। और काके हॉस्पिटल में आए हैं हम लोग मरीज लेके। आने वाले दिनों में झारखंड में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो क्रिसमस के आसपास पारा जहां और नीचे जाएगा तो वहीं कोहरा भी छाया रहेगा। जरूरत है प्रशासन को समय रहते अलाव और ठंड से बचने के दूसरे उपायों की व्यवस्था करने की। संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब बात जमीन को लेकर हुए गोलीबारी की। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज गांव में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इसमें कई राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। इस गोलीबारी में शिव नाम के एक युवक की मौत हो गई जबकि एक और युवक घायल हो गया है। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस गोलीबारी में रिटायर्ड सैनिक मैनेजर तिवारी का नाम सामने आ रहा है। गोलीबारी की सूचना के बाद खेलगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले गोली चलाने वाले अपराधी वहां से फरार हो गए। इधर पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्ला जी वकील हैं, उनका जमीन है और मैनेजर तिवारी बोलते थे कि 22 लाख रुपया दे, 22 लाख रुपया देकर, ठीक है 22 लाख रुपया देकर हम एग्रीमेंट कराए हैं, जबकि शुक्ला जी का कहना था नहीं कराए हैं। तो बहुत दिन से विवाद था, बीच में ही रंगदारी भी मांगे और मैनेजर तिवारी को हमने जेल भी भेजा था। हाल में एक महीना पहले उस केस में जेल भेजा था। मैनेजर तिवारी गर्म दिमाग के आदमी हैं और आज अचानक सुबह आपसे विवाद में गोली चला दिए। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने की तैयारी थी। उत्पाद विभाग ने छापेमारी के दौरान अंग्रेजी शराब की कई बड़ी कंपनियों के स्टीकर, ढक्कन और लेबल को जब्त किया है। वहीं 40 लीटर स्प्रिट के साथ 3 लीटर कैरामेल और कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामानों की कीमत लाखों रुपए में होने की बात कही जा रही है। जमशेदपुर के रईसी इलाके के कदमा ग्रीन पार्क के पास एक घर में ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। वहीं पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। सरायकेला के नीमडी में एक खेत पर हाथी के नवजात बच्चे का शव मिला है। ग्रामीणों की माने तो हथनी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद जंगल ले जाने के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच अंधविश्वास में ग्रामीणों ने हाथी के नवजात बच्चे के शव की पूजा अर्चना भी की। जन्म दिया और उसको हाथी ने जंगल की ओर ले जाने के क्रम में हाथी बच्चा मरा हुआ मिला है। ग्रामीणों ने जो बताया कि आज करीब 4-5 दिन से हाथी का सूंड इधर उधर जंगल में घूम रहा है। ये हर गांव में जुगीलोंग, पुड़ियाड़ा, चिंगड़ा, पारकिडी और उधर ओड़िया झिंगड़ी तरफ में भी हाथी आज करीब एक हफ्ता से घूम रहा है। और जो हाल झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।